मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्रिप्टो की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम सुभाष है, मेरे चैनल का नाम एसआर क्रिप्टो न्यूज है। दोस्तों, यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आज बात करते हैं कि वजीरएक्स में आप पैसा कैसे डाल सकते हैं। यदि आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप न्यू यूजर्स है तो आपको इंडियन एक्सचेंज वजीरएक्स से शुरुआत शायद सबसे अच्छी रहेगी। तो उसी के लिए बात करता है कि आप वजीरएक्स में फंड कैसे डालें और आप वजीरएक्स में डाले हुए फंड को बिटमार्ट एक्सचेंजेस पे कैसे ट्रांसफर करें, आज उसी के लिए बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपका बैंक में अकाउंट है और आप वजीरएक्स में फंड डिपॉजिट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वजीरएक्स पे लॉगिन करना होगा। वजीरएक्स पे लॉगिन करने के बाद वजीरएक्स की केवाईसी करनी होगी। वजीरएक्स की केवाईसी में लास्ट 24 आवर्स में आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपको वजीरएक्स में कुछ टोकन परचेज करने हैं तो उसके लिए आपको फंड डालने की जरूरत होती है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको वजीरएक्स के ऐप को ओपन करना है। वजीरएक्स के ऐप को ओपन करने के बाद आपको फंड्स वाले आइकन पे क्लिक करना है, जो राइट हैंड कॉर्नर पे जो लास्ट वाला बटन दिया हुआ है फंड्स, तो आपको फंड्स पे क्लिक करना है। फंड्स पे क्लिक करने के बाद आपको डिपॉजिट पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, जैसे ही आप डिपॉजिट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने फंड डिपॉजिट के टू ऑप्शन आते हैं। एक तो आता है स्टैंडर्ड डिपॉजिट, एक आता है वजीरएक्स पीटूपी। तो स्टार्टिंग इनिशियल यूजर्स के लिए स्टैंडर्ड डिपॉजिट एक सबसे बेस्ट और सुटेबल ऑप्शन है। इसमें आपको हैंड टू हैंड आपका पैसा आपके वजीरएक्स अकाउंट में आ जाएगा। वजीरएक्स से स्टैंडर्ड डिपॉजिट्स के लिए फंड कैसे ट्रांसफर करें, इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अब आपके वजीरएक्स के फंड को बिटमार्ट पे ट्रांसफर करना है तो वजीरएक्स के फंड को बिटमार्ट पे ट्रांसफर करने के लिए फ्रेंड सबसे पहले आपको एक्सचेंजेस पे जाके XLM टोकन बाई करना होगा। XLM टोकन की जो फी है वो बहुत कम फी है। यदि आप XLM टोकन को किसी भी एक्सचेंजेस पे ट्रांसफर करते हो तो आपको 0.5 XLM ओनली बहुत मिनिमम अमाउंट आपको ट्रांसफर फी के रूप में देना पड़ेगा। यदि आप यूएसडीटी ट्रांसफर करता है तो आपको 1 USDT से लेके 20 USDT तक ट्रांसफर में देना पड़ सकता है। बट यदि आप XLM कॉइन ट्रांसफर करते हैं तो आपको बहुत कम फी XLM कॉइन के लिए देनी पड़ेगी। उसके लिए सबसे पहले आपको XLM टोकन को बाई करना होगा। जैसे ही आपने स्टैंडर्ड डिपॉजिट के थ्रू अपना फंड वजीरएक्स अमाउंट में डाला, उस वजीरएक्स अमाउंट से आपको XLM टोकन बाई करना है। सपोज करो आपने 5,000 रुपए वजीरएक्स फंड में डाले तो आपको 5,000 रुपए के XLM टोकन परचेज करने हैं USDT में। आपने XLM USDT में आपने टोकन परचेज करे, उस टोकन को परचेज करने के बाद आपको उस टोकन को फंड्स में जाना है। फंड्स में जाने के बाद उस टोकन को आपको सबसे पहले XLM डाल के उस टोकन को सर्च करना है। जैसा कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने XLM टोकन को देखा। अभी मेरे XLM वॉलेट में अभी कुछ फंड नहीं पड़ा हुआ है, तो आपको क्या करना होगा, यहां से आपका XLM विड्रॉल पे क्लिक करना है। यहां से वजीरएक्स से ध्यान रखने वाली बात यह है कि वजीरएक्स के XLM पे विड्रॉल पे आपको क्लिक करना है और आपको बिटमार्ट एक्सचेंज पे, सपोज करो जैसे आप बिटमार्ट एक्सचेंज पे अपना फंड डालना चाहते हैं तो बिटमार्ट एक्सचेंज के डिपॉजिट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप बिटमार्ट एक्सचेंज के डिपॉजिट पे क्लिक करते हैं तो आपको वहां पे XLM टोकन स्टेलर टोकन आपको सर्च करना है। आप स्टेलर टोकन सर्च करते हो तो आपको XLM टोकन को क्लिक करना है, कंफर्म करना है। फ्रेंड्स, अब आपके सामने आपका डिपॉजिट एड्रेस आ जाएगा। आपको इस डिपॉजिट एड्रेस पर आपके बिटमार्ट का अलग डिपॉजिट एड्रेस है, मेरे बिटमार्ट का अलग डिपॉजिट एड्रेस है, तो आपको XLM के जो एड्रेस है उस एड्रेस को आपको यहां से कॉपी करना है। यहां से कॉपी करने के बाद आपका जो वजीरएक्स का जो विड्रॉल XLM था आपको वहां पे उसको ले जाके पेस्ट करना है। जैसे ये XLM का विड्रॉल है, आपको XLM के विड्रॉल पे ले जाके उसको आपको पेस्ट करना है। जैसे ही आप उसको पेस्ट करते हैं इसके नीचे एक मेमो दिया होता है। फ्रेंड्स, ये मेमो डालना बहुत जरूरी होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, ओनली टोकन एड्रेस डाल देते हैं, मेमो नहीं डाल पाते तो उनका फंड जो है वो अटक जाता है, पेंडिंग में चला जाता है, इस वजह से उनका फंड ट्रांसफर नहीं हो पाता है। तो आपको मेमो कहां से मिलेगा, आपको मेमो भी बिटमार्ट एक्सचेंज पे, मेमो का बटन भी दिया हुआ है, मेमो के नंबर दिए हुए, उसको आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको सेम वजीरएक्स एक्सचेंज के मेमो पे उसको पेस्ट करना है। जैसे सपोज करो आपके पास 500 XLM है तो आपको यहाँ पे 500 XLM डालने हैं। आपको 499.95 XLM आपके बिटमार्ट एक्सचेंजेस पे रिसीव हो जाएंगे। आपको यहाँ पे प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो आपसे एक OTP ऑथेंटिकेटर एक OTP आएगा, वो OTP आपको इसमें डालना है। आपके मेल पर एक कंफर्मेशन मेल आएगा, वो कंफर्मेशन मेल का जो OTP है वो आपको इसमें डालना है। जैसे ही आप ये 2-way वेरिफिकेशन करते हैं तो आपका जो वजीरएक्स वाले जो फंड है
वो आपके बिटमार्ट अकाउंट पे पहुंच जाएगा। आपके बिटमार्ट अकाउंट पे जो फंड पहुंचेगा वो आपका फंड पहुंचेगा XLM कॉइन में। आप उसको बिटमार्ट वाले XLM कॉइन आपको रिसीव हो जाएंगे। उसको आप फिर जैसे ही सेल करते हो बिटमार्ट एक्सचेंजेस पे जाके, तो आपको USDT मिल जाएंगे। USDT मिलने के बाद आप बिटमार्ट एक्सचेंज पे आप इजीली कोई सा भी टोकन बाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक सिंपल सा एक प्रोसेस है, बस इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। यदि आप XLM टोकन को ट्रांसफर कर रहे हैं वजीरेक्स से बिटमार्ट में, तो आपको मेमो डालना बहुत जरूरी है। डोंट फॉरगेट मेमो। यदि आप मेमो नहीं डालते तो आपका जो फंड है वो कहीं ना कहीं अटक जाएगा और आपको आपका पैसा रिसीव नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, मेमो डालना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।